हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, फिलहाल आज फिर हम लोग रजरप्पा आए हुए हैं और साथ में हमारे ये सब साथी हैं। और चलिए कुछ दिखाते हैं रजरप्पा का व्यू आप लोगों को। और हम लोग जिससे जस्ट आगे कुछ दूरी पे रजरप्पा का संगम स्थल है, जो रजरप्पा वाटरफॉल के नाम से जाना जाता है। चलिए दिखाते हैं आप लोगों को। देखिए व्यू ये है रजरप्पा का, और यह रहा व्यू। और वो अब देख पा रहे होंगे रजरप्पा का वाटरफॉल जो है, और कुछ दूरी से दिखा रहे हैं आप लोगों को। ये सारा व्यू है, दामोदर रिवर में हम लोग खड़ा हैं अभी ये। और वो साइड से आ रही वो भैरवी रिवर है, और बगल में ये सब बना हुआ है। इधर क्या बोलते हैं, जो आते हैं पूजा करने उन लोगों के लिए, रुकने के लिए। उधर आगे इधर से इस साइड से बह के आती है दामोदर रिवर, और बाकी उधर वो चली गई है। उधर ऊपर में एक लड़का खड़ा है हम लोग साथ में जो आया हुआ है। अरे अभी सन सूरज का बहुत ही अच्छा व्यू दिख रहा है यहाँ पे। ये जो है, चलिए ऊपर से दिखाते हैं सारा व्यू आप लोगों को। आप ये देख पा रहे हैं यहाँ पे, जब पानी भरी हुई रहती है दामोदर रिवर में तो ये नाव चलता है, बट अभी नाव का कंडीशन ख़राब है। देख पा रहे होंगे ये है नाव, और ये देख पा रहे हैं पूरा व्यू। जैसे कि आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे मंदिर और वाटरफॉल है, तो देख पा रहे होंगे आप लोग यहाँ से वो दिख रहा है, वो वाटरफॉल है। और इधर बोटिंग की भी सुविधा है उस साइड में आगे। चलिए बोटिंग की सुविधा वहाँ पे है, वहाँ पे चलो दिखाते हैं आप लोगों को। तो गाइस, फिलहाल अभी हम लोग नाव के साइड जा रहे हैं अभी हम लोग सभी लोग, और देखते हैं नाव में क्या क्या है, अभी क्या क्या सुविधा उपलब्ध है यहाँ पे सुरक्षा के नज़र से। तो चलिए वो सब देखते हैं हम लोग आगे, और बढ़ रहे हैं हम लोग इसी तरह। अब निकट जा रहे हैं, निकट कुछ देर में पहुँचेंगे। हमारे पीछे पूरा गेंग है, गेंग ये सब साथ में आया हुआ है मेरे साथ। सो गाइस, इसी तरह बढ़ रहे हैं हम लोग आगे। चलिए अब कुछ दूरी में है, 10 मीटर हमारे आगे खाई है, तो ये खाई दिखाते हैं हम लोगों को। और इसी तरह बढ़ रहे हैं हम लोग अभी। मॉर्निंग का व्यू, मॉर्निंग टाइम का ये व्यू यहाँ पर है रजरप्पा का, बहुत ही खूबसूरत है। और सनलाइट का भी देखिए कितना अच्छा व्यू है अभी, कटेगा ना। हाँ, अब इसका नाव का अच्छा से लेंगे भयानक। सो गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये हमारा नाव है, और इसी नाव से जब ये यहाँ पे ब्रिज बना हुआ नहीं था तो यहाँ के लोग उस पार होते थे, और अभी ये बोटिंग के काम आ रहा है। यहाँ पे जो आते हैं घूमने के लिए उन सभी लोग यहाँ पे नाव पे अपना नाव का आनंद लेते हैं। और कुछ एक भैया गए थे, वो सेफ्टी के साथ कुछ था तो वो ऊपर गए हैं भैया। हाँ, चलिए आगे और दिखा रहे हैं यहाँ का व्यू। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सारा व्यवस्था है नाव में, हम लोग अभी नाव में चढ़ चुके हैं और देख पाते हैं। फोन पे भी आप ले सकते हैं यहाँ, जैसे कि वहाँ पे फोन पे का भी सुविधा है, देख सकते हैं वहाँ पे लगा हुआ है। आप यहाँ फोन पे के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं, और ऐसा मत करो कि अगला का नाव बह जाए। हम बैठे हैं। सो गाइस, फिलहाल अभी हम लोग बढ़ रहे हैं आगे की ओर और चलिए दिखाते हैं हम लोगों को रजरप्पा का फुल व्यू। और जहाँ पे संगम जगह है, संगम प्लेस के पास हम लोग जा रहे हैं धीरे धीरे। सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं अभी हम लोग, इधर आए हुए हैं, और उनके पास सेफ्टी का सारा सामान उपलब्ध है इनके पास। भैया तो अभी नीचे हैं, हम लोग ऊपर हैं तो अभी नहीं जा पाएंगे। ये देख पा रहे हैं, जैसे कि आप साउंड सुन रहे होंगे, ये है रजरप्पा का संगम स्थल। पूरा नज़दीक से दिखा रहे हैं हम लोगों को, पूरा नज़दीक से आए हुए हैं हम लोग। और ये सारा है, इधर उस पार में टेंपल है उधर, और इस साइड ये सारा व्यू है। तो सो गए, चलिए भैया हैं उनसे एक बार बात कर लेते हैं कि यहाँ का बोटिंग का सुविधा क्या है। भैया जैसे कि यहाँ पे
आएंगे जो घूमने के लिए, वो नाव का मतलब यहाँ आनंद लेना चाहेंगे नाव में बैठ के, तो उनका क्या चार्ज है वो बता पाएंगे? 150 रुपये लेते हैं और पूरा यहाँ का सैर करते हैं ना, और साथ में सेफ्टी का भी ध्यान रखते हैं आप? हाँ, जैकेट भी साथ में है। और भैया इसी तरह आगे बढ़ रहे हैं अभी, तो सो गाइस चलिए अभी हम लोग अब यहाँ से बढ़ते हैं आगे अपनी मंजिल की ओर। सो गाइस फिलहाल अभी हम लोग अपने मंजिल की ओर फिर बढ़ते हैं और एक बार फिर से दिखाते हैं आप लोगों को संगम स्थल। नमन करते हैं। ये साउंड सुन रहे होंगे आप लोग, बहुत ही खतरनाक है। कहाँ जा रहा है रे? बहुत और उधर आए हुए हैं रजरप्पा पूजा करने के लिए वो लोग हैं, और इधर ये संगम स्थल है। इस जगह पे बताया जाता है कि सात घाटी के डोरा के बराबर गड्ढा यहाँ पे है जहाँ पे संगम स्थल है यहाँ पे, और इतना ही पता है हम लोग, चेक नहीं किए हैं जाके, इसीलिए चेक जाना कर तो कहे नहीं गया। और ये जो न्यू ब्रिज बना है घघरी पुल, मतलब घघरी ब्रिज के नाम से ये फेमस है, और धीरे धीरे सभी लोग अपने ऊपर की ओर जा रहे हैं अब रिवर से, और आगे देख पा रहे हैं अलग ही व्यू यहाँ का है, नज़ारा कुछ इस तरह का है दामोदर रिवर का। नज़र आपकी जहाँ तक जाएगी ये पत्थर ही पत्थर दिखेगा इस जगह में। लेटेस्ट वो आपको दिखाई देती होगी शायद, एक यहाँ पे लोटस टेम्पल है और बाकी सब सारा दिख रहा है वो टेम्पल रजरप्पा का ही है। मैन यहाँ पे है, मैन यहाँ पे जो पेड़ दिख रहा है पेड़ के पीछे है मैन मंदिर है, उसके अलावा आपको कभी उस साइड से दिखाएंगे मंदिर की ओर से आपका व्यू। तो सो गाइस इस ब्लॉग को यहीं अंत करते हैं और हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं। चलिए।